तो चलो आज शुरू करते हैं 4.2। 4.2 के अंदर जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 8 तक कोरोलरी बताई थी, थ्योरम बताया था मैंने, ये बताया था कि अगर कोई यहाँ पर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव वहीं पर है तो ये सिंपल हो जाता है बहुत सारा। जो कोरोलरी था उसके अकॉर्डिंग अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आता है, या तो फिर ऐसा नहीं है तो कोई एक फंक्शन है जिसको हम टी कंसिडर करें और उसका डेरिवेटिव हो तो ईजी हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के, चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखोगे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 − x², मतलब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहीं प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स एक्स को कंसिडर करता हूँ, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। इस तरह से हर बार सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको कंसिडर करना है, इसको इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/√1 − x² dx, इस तरह से, और टी का डेरिवेटिव होगा डी टी। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना हमारे क्वेश्चन में, तो जो आई है वो चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स जो था वो हो जाएगा टी टी रेज टू 3/2 एंड 1/ ये देखो 1/√1 − x² और dx, ये दोनों मिलके dt हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन हो गया सिंप्लीफाइड सब्स्टिट्यूशन की वजह से। इसको अब करना है तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x रेज टू n होगा तो n+1/n+1 आता है इस तरह से। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये t रेज टू 3/2 है, प्लस 1 कर देना इसमें, और डिनोमीटर में भी हो जाएगा 3/2 + 1 और यहाँ प्लस c आ जाएगा एज यूजुअल। I इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2, 3 + 2 = 5/2 आ गया और यहाँ पर भी 5/2 आ गया प्लस c। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते, 5/2 ऊपर चला गया 2/5 और ये है t रेज टू 5/2 + c। क्वेश्चन में देखेंगे t नहीं था तो रीसब्स्टिट्यूट करना चाहिए हर बार, सो i आ जाएगा 2/5, t की जगह पर आप लेंगे साइन इनवर्स x इस तरह से रेज टू 5/2 + c। तो बहुत ही आसान है इंटीग्रेशन यहाँ पर 4.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से, 10th और 11th क्वेश्चन भी है, हिंट दूंगा मैं आपको, आप खुद से करिए। यहाँ पर क्या है देखो, ये जो x² − 3x + 5 है इसको t कंसिडर करते, लेट x² − 3x + 5 = t, इस तरह से। अब इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, −3x का 3 हो जाएगा, +5 कांस्टेंट है 0 हो गया और यहाँ पर dx आ गया और यहाँ पर आ गया t का dt। लेकिन यहाँ तो 4x − 6 था तो मैं क्या करूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 4x − 6 और ये dx, बट यहाँ भी 2dt आ जाएगा। अब रिप्लेस करते हैं, जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल है वो हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो नीचे x² − 3x + 5 है उसको हमने टी कंसिडर किया है, टी और रेज टू 3/2 है और ऊपर जो 4x − 6x और dx है ये वो 2dt हो गया। यहाँ 1 लिख के यहाँ पर आप साइड में 2dt लिखो या यहीं पे 2dt लिखो। अब होगा क्या, आई इज इक्वल टू ये 2 कॉमन आ गया बाहर, ये 1/t·3/2 ऊपर गया, 1/ हटाओगे तो t·−3/2 और ये dt, और इसका जो 2 था वो बाहर कॉमन लिया इस तरह से। अब आगे क्या करोगे, बिल्कुल इसके जैसे करोगे जैसे ये था, इसका x·n फॉर्मूला यूज़ करके n+1/n+1 और लास्ट में t−, अगर है तो माइनस को प्लस करने के लिए 1/ करके t को नीचे लेना और t को रिसब्स्टिट्यूट करके t की जगह पर ये लिखना। आगे देखेंगे 11th वाला क्वेश्चन, यहाँ भी देखो कुछ अगर डेरिवेटिव किसी का कुछ प्रेजेंट है या नहीं है, कौन सा डेरिवेटिव प्रेजेंट है, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पर जो टैन एक्स टैन है, पुट टैन जो एंगल में एक्स स्क्वायर है दोनों में, तो टैन एक्स स्क्वायर इसको हम टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ पर जो टैन एक्स स्क्वायर और टी एस का डेरिवेटिव लेते हैं तो टैन का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक्स स्क्वायर और ये जो है ये, बट ये एक्स होना चाहिए था, ये तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का वापस डेरिवेटिव लेंगे, मल्टीप्लाई करते तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और फिर यहाँ पर dx आएगा हर बार की तरह और ये dt आएगा। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते, ये जो x है यहाँ पर x आगे ले लेते, सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेते और dx इज इक्वल टू dt और ये 2 है, यहाँ पर देखो x सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx ये आ गया, 2 नहीं चाहिए था, इसको इस तरफ ले जाओ तो dt बाय 2 हो गया। अब यहाँ रिसब्स्टिट्यूट करो, i इज इक्वल टू ये जो ऊपर जो अपॉन में है रूट टेन क्यूब एक्स स्क्वायर, तो टेन एक्स स्क्वायर टी है तो ये टेन क्यूब है, तो ये टेन क्यूब मतलब टी क्यूब हो गया ऊपर 1 और ये जो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स है ये पूरा जो है डी टी बाय 2 इस तरह से हो गया। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो ये जो अपॉन 2 कॉन्स्टेंट वगैरह होता है उसको बाहर ले लो 1/2, ये जो 1/ ये टी
रेस टू थ्री है और ये रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 3 × 1/2 तो 3/2 हो गया और यहाँ आ गया डी टी। सिंप्लीफाई करने के लिए हाफ बाहर ही रखो, इंटीग्रेशन इसको 1/2 को हटा दो, ये टी रेस टू माइनस 3/2 और डी टी आ गया। अब जैसे देखोगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, टी रेस टू माइनस 3/2 डी टी, इसका जो आपने इंटीग्रेशन किया रहेगा इसका भी वही आएगा। आप इसको सॉल्व करना, यहाँ सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई था, यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई था, लास्ट में टी की जगह पर आपको टेन एक्स स्क्वायर रखना है। कॉपी करो इसको। ये जो क्वेश्चन नंबर ये 11 है, ये 12 था, गलती से मैंने 11 लिख दिया था, ये 12th वाला क्वेश्चन है, 11th वाला मैं आपको अभी वापस बताता हूँ। चलो आगे जाते हैं, अभी जो 11th क्वेश्चन रह गया था, मैंने 12th क्वेश्चन बता दिया था, 11th कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो ये 11th क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टैन इनवर्स 2 टैन एक्स अपॉन 1 माइनस टैन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें क्या सब्सटीट्यूट किया जाए, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, ये टैन 2x का फॉर्मूला सीधे दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करो, टैन इनवर्स x, टैन इनवर्स ये जो है टैन 2x का फॉर्मूला है। अगर आपको ट्रिगो के सारे फॉर्मूले याद है तो आपको पता होगा टैन 2x का ये फॉर्मूला होता है 2 टैन x अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर x। तो ये ऐसे टैन 2x से रिप्लेस कर दिया। अब आप ऐसे करोगे इंटीग्रेशन, टैन इनवर्स और टैन कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ 2x रह जाएगा dx। इसमें 2 जो नंबर है बाहर आ गया, आई इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और I इज इक्वल टू 2, x का इंटीग्रेशन x रेस टू 1 है, तो x रेस टू 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसा देखने में लग रहा था अरे ये कैसा क्वेश्चन है, बट अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो वो फॉर्मूला रखते ही बहुत ही ईजी हो जाता है। अब देखो 13 और 14 यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन दिए हुए, दोनों एक ही ट्रिक से होने वाला है, मैं वो ट्रिक बताता हूँ। 13 में 14 में आप सेम ट्रिक अप्लाई करोगे। क्या ट्रिक है, देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स है डीएक्स। ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा जिसमें किसको हम सब्स्टिट्यूट करें, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है इसका एंगल देखो कितना भारी भरकम दिया हुआ है। तो ये एंगल को अगर हम लेते हैं एक्स प्लस लॉग एक्स, इसको अगर टी रख दिया जाए लेट, तो होगा क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 और लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और डीएक्स यहाँ पर डीटी। तो अब देखेंगे क्या ये प्रेजेंट है, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ तो है नहीं, बट यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1 एक्स प्लस 1 यानी 1 प्लस एक्स हो गया, ऐसे भी देख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये आ गया डी एक्स डी टी। ये देखोगे ये तो प्रेजेंट है यहाँ पर, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स है। तो क्वेश्चन चेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन नीचे 1 अपॉन आ जाएगा साइन, ये पूरा हमने सब्स्टिट्यूट किया टी इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये जो है ये हो जाएगा डी टी, ये हो गया। अब 1 अपॉन साइन टी इजी, पहले कोसेक कर दो इसको, कोसेक टी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो कोसेक एक्स कोसेक टी है यहाँ पर, यहाँ पर ये डी टी है, तो ये एक्स को टी कर देंगे, डी टी है वो। कोसेक का इंटीग्रेशन दो दो फॉर्मूला था, कोसेक अगर टी है तो इसका आएगा लॉग ऑफ कोसेक टी माइनस कॉट टी इस तरह से, या तो एक और था इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं कि log of 10 एक्स बाई 2, तो ये तो टी है, तो टी बाय 2 प्लस सी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बट टी जो था, टी हमने यहाँ पर x प्लस log x लिया था, तो रिप्लेस कर देते हैं, आई log जो tan है, tan रह जाएगा, टी है x प्लस log x अपॉन टी अपॉन 2 था पूरे का अपॉन 2 और प्लस सी। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। तो ये यहाँ पर कोसेक का जो है दो दो फार्मूला होता है, बट ये टैन छोटा फार्मूला इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। इसके बाद ये जो 14 करना है, यहाँ पर भी देखो ऐसे ही कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्या करना है, देखो x प्लस 1 अपॉन 3x दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है x प्लस log x रेस टू 4, जैसे यहाँ पर था साइन के एंगल में था, वैसे ये जो है ना इसका पावर 4 है। तो इसको ही आप करोगे लेट x प्लस log x इज इक्वल टू टी, होगा क्या, इसका डेरिवेटिव लेंगे x का t और log x का 1 बाय x, यहाँ पर आ जाएगा dx एक्स इज इक्वल टू डी टी, बिल्कुल ऐसे ही आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो x प्लस 1 चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x इंटू 1 एक्स प्लस 1 अपॉन x dx एक्स इंटू डी टी, तो ये यहाँ पर आ गया x प्लस 1 अपॉन x और यहाँ पर dx होगा, तो ये सब रिप्लेस होके dt आ जाएगा, 3 को बाहर ले लो, ये t रेस टू 4 हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन t रेस टू 4 का 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 t रेस टू 5 अपॉन 5, बहुत ईजी है। 14 भी खुद से करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन। यहाँ पर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू x इंटू लॉग साइन ऑफ e रेस टू x अपॉन टैन e रेस टू x,
बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ध्यान देना मैं किसको सब्सटीट्यूट करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो ये जो यहाँ पर देखते हैं आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू ये लॉग साइन ऑफ ई रेस टू एक्स है, ये जो वन अपॉन टेन है, टेन अपॉन टेन है, उसको ऊपर लेके गए रेसिप्रोकल तो कॉट हो जाएगा ई रेस टू एक्स डी एक्स। देखो लॉग ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स आपने इंटीग्रेशन में याद किया था, लॉग ऑफ साइन एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अगर करते हैं, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो लॉग साइन एक्स आता है, ये आपने सीखा था। इसका मतलब लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स आना चाहिए, तो लॉग साइन एक्स करेंगे इसका डेरिवेटिव कॉट एक्स आएगा, उसको करके देखते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, लॉग के साथ जो ये एंगल में है इसको पूरे को लॉग को ही लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स, इस पूरे को हम क्या लेते हैं टी करते, कंसिडर लेट टी पूरा लॉग साइन ई रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग है ये लॉग, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन साइन ई रेस टू एक्स, वन अपॉन एक्स होता है तो एक्स के बदले ये साइन ई रेस टू एक्स है, तो साइन ई रेस टू एक्स का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा कॉस हो जाएगा कॉस, तो अगेन डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं कॉस ई रेस टू एक्स, बट ये कॉस एक्स होना चाहिए था ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। तो इस लॉग साइन ई रेस टू एक्स का ये पूरा डेरिवेटिव आया, उसका चेन से ये आया अगेन डेरिवेटिव, फिर इससे ये आया, फिर डी एक्स आप करोगे और टी का डी टी होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो कॉस अपॉन साइन, देखो कॉस ई रेस टू एक्स अपॉन साइन तो ये होगा कॉट ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, तो इसको मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ ई रेस टू एक्स इंटू और डी एक्स ये डी टी। अब होगा क्या देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन है चेंज हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ये था ई रेस टू एक्स और ये कॉट ई रेस टू एक्स डी एक्स, ये वो डी टी हो गया, लॉग साइन ई रेस टू एक्स, लॉग साइन ई रेस टू एक्स ये टी है, ये टी और बाकी के ये जो थे वो हो गए डी टी, यहाँ लिख देते डी टी, सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या होगा देखो आई इज इक्वल टू टी रेस टू वन है तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, और t की जगह मुझे सब्सटीट्यूट कर देना है i इज इक्वल टू t, हमने लिया था log ऑफ साइन e रेस टू x पूरे का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब ये जो है यहाँ पर ये log पूरे का स्क्वायर है, तो अगर ये पूरे का स्क्वायर नहीं होता सिर्फ साइन का स्क्वायर होता तो 2 को आगे लेके आते हैं यहाँ पर ओके और फिर ये कैंसिल हो जाता, बट ये log का भी स्क्वायर है तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, यही हमारा फाइनल आंसर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो 16, 17 ये दो क्वेश्चन, इसको भी मैं हिंट देता आपको कैसे करना चाहिए, सब्सटीट्यूशन मेथड से ही करना है। कैसा है देखो, यहाँ पर देखोगे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब और साइन रेस टू सेवन एक्स क्यूब इसका स्क्वायर रूट है, तो एक तरह से देखेंगे तो ये रूट के अंदर है, तो इसको हम ये जो साइन है साइन एक्स क्यूब इसको टी कंसिडर कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, साइन एक्स क्यूब टी इसका डेरीवेटिव लोगे तो साइन का कॉस हो जाएगा डेरीवेटिव में, एक्स क्यूब का अगेन डेरिवेटिव हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये जो थ्री है ये आगे ले लोगे यहाँ पर थ्री। अब हुआ क्या देखो, ये थ्री को हमने लिया आगे, अब देखो ये यहाँ पर क्वेश्चन में देखो ये रूट साइन था वो हो गया टी, रूट टी रेस टू सेवन हो गया, और कॉस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर ये मिलके और dx मिलके क्या हो गया dt, ये 3 को आप इस तरफ लेते हो तो dt अपॉन 3, तो ये आंसर क्या आ जाएगा रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन रूट, ये साइन था वो t हो गया और उसका रेस टू 7 इंटू ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब और dx, ये पूरा मिलके हो गया dt अपॉन 3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे देखो, ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 3, ये t रेस टू 7 था इंटू 1/2 हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, उसके बाद इजीली 7/2 प्लस 1 अपॉन 7/2 प्लस 1 ये आ गया। आप सॉल्व करोगे 17th को भी इसी तरह से देख लेते हैं, यहाँ पर देखोगे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, साइन इनवर्स एक्स को अगर टी करते हैं, साइन इनवर्स जो भी है इसको अगर टी करते हैं लेट, तो इसका डेरीवेटिव होता है साइन इनवर्स का होता है 1/√1 − x2। अब यहाँ पर x क्या एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी, तो उसका स्क्वायर होगा, यहाँ जो भी होगा उसका स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेस टू 4 2x आ गया, और डी एक्स डी टी। अब क्या होगा देखो, यहाँ पर रिप्लेस कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है ये t हो गया, और यहाँ पर जो x, यहाँ पर x है x अपॉन रूट 1 − x2 और डी एक्स, एक्स अपॉन दिस डी एक्स डी टी आ गया, ये जो 2 है नंबर इस 2 को नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लेके चले जाओ उस साइड,
तो ये जो क्वेश्चन में था x अपॉन दिस डी एक्स, एक्स अपॉन दिस डी एक्स, ये dt by 2 हो गया। तो क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, देखो ये जो है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो वो हो गया t x अपॉन दिस एवरीथिंग, x अपॉन दिस एवरीथिंग dt by 2। अब ये 2 को आगे ले लो नेक्स्ट स्टेप में 1 by 2 t dt, और ये t का तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, t रेस टू 1 है तो t स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 कैंसिल और t की वैल्यू रिप्लेस करनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 16-17 कॉपी करो, अगला बता दो। क्वेश्चन नंबर 18 है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू x 1 प्लस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इन टू ई रेस टू एक्स डी एक्स। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब भी आपको सब्सटीट्यूट करना है ना, ऐसे जैसे साइन वगैरह का एंगल है या लॉग का एंगल है या कोई पावर में है उसको हम सब्सटीट्यूट कर दें। तो यहाँ देखो ये जो x x इन टू ई रेस टू x है, इसको अगर t कंसिडर कर दें तो इसका डेरीवेटिव u इन टू v से आ जाएगा। u इन टू v क्या था, x इन टू डेरीवेटिव ऑफ ई रेस टू x प्लस ई रेस टू x इन टू डेरीवेटिव ऑफ x यानी 1 इज इक्वल। अच्छा ये डेरीवेटिव लिए तो अब ये पूरे का डी एक्स, और इस t का डेरीवेटिव dt। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ई रेस टू x कॉमन, यहाँ पर आ गया x प्लस 1 इन टू डी एक्स डी टी आ गया। अब होगा क्या, देखो ये क्वेश्चन था, ये साइन ये जो था x इंटू ई रेस टू x, x इंटू ई रेस टू x, ये t आ गया, ये t आ गया तो साइन स्क्वायर t हो गया नीचे। यहाँ देखोगे ई रेस टू x 1 प्लस कॉस x डी एक्स, ये पूरा dt है। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये t है और ये पूरा जो है ये पूरा वो dt है, ईजी हो गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर टी डी टी, और कोसेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन, तो इसके लिए बता बोले कोसेक स्क्वायर डेरिवेटिव किसका होता है, देखो टेन स्क्वायर, टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस आ जाएगा, माइनस कॉट टी आ जाएगा प्लस सी। अब टी की जगह पे ये रख दो एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, तो ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसे करना इसको, ठीक है। ये आगे और एक दो स्टेप करना है, खुद से करो। अभी 19th क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अब किसको सब्सटीट्यूट किया जाए, ये क्वेश्चन है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ए रेस टू एक्स प्लस टेन, तो ये जो पावर में दिख रहा है इसको सब्सटीट्यूट करो, लेट एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, ये जो है ये टी कंसिडर किया, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। अब डेरीवेटिव करते हैं, एक्स का डेरीवेटिव वन और इसका डेरीवेटिव जाएगा टेन इनवर्स एक्स का, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वन इंटू दिस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको और सॉल्व करते हैं, वन प्लस वन टू प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्वेश्चन में क्या है देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया है, तो इसको वैसे ही लिख दे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन और वन प्लस टू, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो फिर से ये सिंप्लीफाइड हो गया, कैसे हो गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये था a, a का पार, ये पूरा जो था इसको कंसिडर किया था t, तो a रेस टू t इन टू, अब ये जो था एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स डी टी, ये जो है देखो यहाँ पर डी एक्स और ये मिलके डी टी हो गया ना सिंप्लीफाइड क्वेश्चन। अब a रेस टू x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा क्या था, a रेस टू t का a रेस टू t अपॉन log a, ये आता था प्लस c करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, t की जगह पर ये रख दो, हो गया, इस तरह से कर देता हूँ मैं, ए रेस टू टी की जगह पर क्या था, देखो ये एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन लॉग ए और प्लस सॉल्व हो गया। तो बहुत ही आसान है आगे के क्वेश्चन जो थे 18-19। अब ये जो 20 वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये जो 20 वाला क्वेश्चन है ये है टेन टू एक्स इंटू टेन थ्री एक्स इंटू टेन फाइव एक्स डी एक्स, थ्री फंक्शन दिए हैं, टेन है तीनों भी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू टाइप का क्वेश्चन है, बट अभी तक हमने पार्शियल ये इंटीग्रेशन पर पार्ट सिखाया नहीं है मैंने आपको, u इंटू वी वगैरह कैसे करना है। u इंटू वी होगा तो उसका एक बड़ा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है जो मैं इंटीग्रेशन पर पार्ट से मैंने आपको पहले एक शॉर्ट में बताया था बेसिक में, ये करने का एक अलग टेक्निक है, उस टेक्निक से ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 अगर एग्जाम में आता है तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को याद कर लेना। क्या है देखो, सबसे पहले ये tan 2x 3x और 5x है, तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, एक फार्मूला लेता हूँ tan 5x माइनस 3x, यानी अगर ये 5x और 3x को माइनस करेंगे तो हमें पता है कि tan a माइनस बी का एक फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये एक फार्मूला होता है। तो ये सेम फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, a माइनस बी, a और b समझो इसको,
ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी यानी टेन फाइव एक्स माइनस टेन थ्री एक्स अपॉन वन प्लस टेन ए एंड टेन बी, तो टेन फाइव एक्स एंड थ्री एक्स। अब होगा क्या, आगे क्या होगा, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ना ये जो है इसको चेंज करने वाला हूँ, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं त्रिगो का यूज़ कर रहा हूँ, टेन वाले फॉर्मूले का। अब क्रॉस मल्टी, अच्छा ये हो जाएगा टेन फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स, ये टेन टू एक्स हो जाएगा, ये टेन टू एक्स हो जाएगा, और ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स टू एक्स। अब टेन टू एक्स ये पूरा यहाँ पर लेके आते हैं हम, ये अपॉन के नीचे ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप, तो टेन टू एक्स इंटू वन आ जाएगा टेन टू एक्स प्लस टेन टू एक्स इंटू दिस, तो आ जाएगा टेन टू एक्स इंटू ये दोनों टेन फाइव एक्स एंड टेन थ्री एक्स, ये आ गया इज इक्वल टू, देखो ये टेन टू एक्स था माइनस करके इसका मल्टीप्लाई वन में किए फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, इक्वल के उस तरफ क्या रह गया, देखो टेन फाइव एक्स माइनस टेन थ्री एक्स ये रह गया। अब क्या करना है, देखो मुझे क्वेश्चन में टेन टू एक्स थ्री एक्स फाइव ऐसे थे, ये तीनों है साथ में मल्टीप्लाई के, इसको यहीं रखते हैं, ये जो टेन टू एक्स है इसको उठा के उस तरफ लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा टेन टू एक्स यहाँ पर इंटू इंटू टेन फाइव एक्स इंटू टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू, ये क्या था देखो टेन फाइव एक्स माइनस टेन थ्री एक्स, और ये वाला टेन टू एक्स अब आगे जाएगा तो हो जाएगा माइनस टेन टू एक्स। अब मैंने किया क्या, ये जो क्वेश्चन था टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स टेन फाइव एक्स, ये जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को इक्वलेंट और भी टर्म लाया जो माइनस में है, तो अब इसका यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये टेन टू एक्स इंटू टेन थ्री एक्स इंटू था, ये इंटू वाला जो है रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से टेन फाइव एक्स माइनस टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखो बीच में माइनस है, प्लस माइनस होगा तो इंटीग्रेशन स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन तीनों के पास जाएगा टेन फाइव एक्स डी एक्स भी आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन टेन थ्री एक्स डी एक्स आ गया, माइनस इंटीग्रेशन टेन टू एक्स डी एक्स भी आ गया। अब टेन का इंटीग्रेशन तो आपको पता है लॉग ऑफ सेक एक्स होता है, तो ये आई इज इक्वल इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ सेक जो एक्स है, बट एक्स के बदले तो फाइव एक्स है, तो फाइव एक्स का वापस डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड करना पड़ता है इंटीग्रेशन में, तो फाइव एक्स का डेरिवेटिव फाइव, फाइव से डिवाइड करेंगे यहाँ लिख देता वन अपॉन फाइव, माइनस टेन थ्री एक्स का वापस आएगा लॉग लॉग ऑफ सेक थ्री एक्स और थ्री एक्स का अगेन डेरिवेटिव थ्री, उससे डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन थ्री, सिमिलरली यहाँ भी टू एक्स है तो वन अपॉन टू लॉग सेक टू एक्स आ जाएगा और प्लस सी। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है फाइनल आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल अलग था, सब्सटीट्यूशन नहीं करना था कुछ नहीं, हाँ सब्सटीट्यूशन करना था, बट ये जो था इनटू में था, प्रोडक्ट था तीनों का, उसको हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके प्रोडक्ट को जो है माइनस के टर्म में लाया और फिर तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन लिया, तो इसको आप याद रखिए ये क्वेश्चन अलग है। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन नंबर 20 तक था फर्स्ट क्वेश्चन वो पूरा हुआ, सब्सटीट्यूशन मेथड था, ये जो एक्सरसाइज है बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि जो बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन होंगे मैं हिंट दूंगा, आप उसको खुद से सॉल्व करो और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा आपको बताना, इसको कॉपी करो।